We are starting question number 11, exercise 2.2, class 12 math this time. Write the following function in the simplest form. हमें इसमें simplest form में यहाँ पर आपको इसे लिखना है. Tan inverse और brother यहाँ पर आपके पास 2 cos और 2 sin inverse यहाँ पर ना 1 by 2 लिखा है. भाइयों अगर मैं आपसे हल्का सा एक ये बात पूछूं कि 1 by 2 कब आता है sin theta में, आपने टेबल याद करी थी ना वो 10th क्लास वाली, sin 30 में आप कहेंगे sin 30 में 1 by 2 आता है. तो आज 1 by 2 के प्लेस में आपको कितना रखना है, आपको रखना है sin 5 by 6. 5 by 6 को ही तो 30 कहते, तो यहां पर आप 1 by 2 के प्लेस में रख दीजिए sin 5 by 6. ये आपने यहां पर रख दिया. अब आप यहां पर समझ चुके हैं क्या बचेगा, सिर्फ 5 by 6. तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है और इस 2 से मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, तो ये सिर्फ रह गया है 5 by 3. और अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रदर 5 by 3 की वैल्यूज कितनी आती है, तो आपको याद है कि जो cos 5 by 3 है वो उतना ही होता है जितना आपका sin 5 by 6 होता है, यानी 1 by 2. cos 60 की वैल्यू है और cos 60 आपके पास कितना रहता है ब्रदर, हमेशा रहता है 1 by 2. आप 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, tan इनवर्स 1. और आप 1 को किस तरह से जानते हैं, देखिए ये एक ऐसी चीज है 1 जिसे tan और cot में हर किसी को अच्छे से याद रहता है. tan इनवर्स और tan यहां पर आप पाई बाय 4 लिख लीजिए, tan से tan आपका ओमिटेड हो गया, या जो मर्जी आप कहिए सिंपल लैंग्वेज में कहिए कैंसिल हो गया. तो पाई बाय 4 आपके पास यहां पर बच चुका है, ये रिक्वायर्ड आंसर है. अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी हमारी वीडियो आपके पास ऑफलाइन अवेलेबल रहे, पूरा का पूरा कोर्स हमेशा आपके मोबाइल में 24 घंटे ऑफलाइन रहे, तो हम आपको एक मेमोरी कार्ड में वो अवेलेबल करा सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, जिसमें मेमोरी कार्ड आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा. तो ये हमारे पास आप नंबर है, इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच.